मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच में बारिश की फुहारें फिर पड़ने लगी हैं। बारिश का ऐसा आलम है कि कई जिलों में जहां तेज बारिश के साथ ओले भी देखे गए, तो कई जिलों में मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का तेज असर दिख सकता है, खासतौर से एक दिन नहीं, आने वाले दो या तीन दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह है सर्कुलेशन, साइक्लोन सर्कुलेशन, और इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते हवा जो है उसकी तेज रफ्तार और प्रति चक्रवाती हवाओं की वजह से मौसम में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खासतौर से जो मौसम के बदले हुए इस तरीके का असर है, प्रभाव, वो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखा जा रहा है, खासतौर से जबलपुर संभाग के ज़िले, इंदौर संभाग के ज़िले और भोपाल संभाग के ज़िलों में इसका ज़्यादा असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आने वाले दो दिनों को लेकर है, जिनमें कई ज़िले ऐसे हैं जिनको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी जिले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुवना, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है, जहाँ पे हल्की ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। जबकि इनसे लगे हुए जो दूसरे जिले हैं, भोपाल, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिले, यहाँ पे भी येलो अलर्ट माने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और कम समय के लिए हल्की वर्षा की संभावना है। जैसे कि आपको बता दें कि गुना, अशोकनगर, सीहोर, शाजापुर, बैतूल, नर्मदापुरम, सागर, राजगढ़, बालाघाट, डिंडोरी, विदिशा, उदयगिरी को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है, और सिवनी, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों को लेकर मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि यहाँ पर बारिश का तेज असर देखा जा सकता है। इससे पहले आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में तेज बारिश देखी गई, सिवनी, बालाघाट में भी तेज बारिश देखी गई। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के वो ज़िले जहां पर बारिश का असर ज़्यादा देखा जा सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। बीते दिन भी दिखाई दिया था ये इस तरीके का अनुमान, और ये तेज़ आंधी और बारिश का अलर्ट दो या तीन दिन तक प्रभावशील रहेगा, और इसमें खासतौर से मध्य प्रदेश में आने वाले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में तेज़ बारिश के असर का मौसम विभाग ने पूरा अनुमान लगाया है। आप देखते रहें अभी तक।